खबर की बात करेंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कट्टरवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सक्रिय है। इंटेलिजेंस इनपुट मध्य प्रदेश को पीएफआई से खतरा है, ये सूत्र बता रहे हैं। पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी इंटेलिजेंस इनपुट की बात। सरकार के स्तर पर मंथन जारी है। इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम पर नेटवर्क पीएफआई का फैला हुआ है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है, सुरक्षा से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में कट्टरवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सक्रिय है। इंटेलिजेंस इनपुट ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश को पीएफआई से खतरा है। पीएफआई पर बैन लगाने की बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सरकार के स्तर पर मंथन चल रहा है। इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम पर नेटवर्क पीएफआई का फैला हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये ताजा अपडेट सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में कट्टरवादी संगठन पीएफआई सक्रिय है। इंटेलिजेंस इनपुट में मध्य प्रदेश को पीएफआई से खतरा बताया गया है। पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सरकार के स्तर पर मंथन किया जा रहा है। इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम में इसका नेटवर्क फैला हुआ है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सक्रिय है मध्य प्रदेश में, ये जानकारी इंटेलिजेंस से मिल रही है। इंटेलिजेंस इनपुट में इस तरह की खबर सामने आई है कि मध्य प्रदेश को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से खतरा है। कुलभूषण सक्सेना जुड़ गए फोन लाइन पर। कुलभूषण, क्या जानकारी इंटेलिजेंस सूत्रों से? बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात की जाए तो एमपी में कट्टरवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है सक्रिय हुआ है। इसके पहले भी देखा गया था कि एक व्यक्ति जो है इंदौर से गिरफ्तार हुआ था। इंटेलिजेंस इनपुट मध्य प्रदेश को पीएफआई से जो है खतरा बताया गया है। पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी में है। हालांकि इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सरकार के स्तर पर मंथन किया जा रहा है। इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम समेत प्रदेश भर में नेटवर्क जो है इनका फैला हुआ है। झारखंड और केरल में इस संगठन पर बैन भी लगाया गया था। अब मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है कि यह संगठन सक्रिय हुआ है। हालांकि इंदौर और उज्जैन की घटना के बाद इस पूरे मामले पर जो है इंटेलिजेंस एटीएस अपनी जांच पड़ताल में जुट चुकी है। और वहीं अभी कुछ ही देर पहले विश्वास सारंग जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम किसी भी इस तरह के संगठन को छोड़ेंगे नहीं, उनके मंसूबे को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा, उन्हें जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाएगा, निस्त नाबूद किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से जो है इस्लामिक संगठन मध्य प्रदेश में सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है।